कैसे कर सकता हूं, परंतु अगर आप जानने को इतने ही उत्सुक हैं तो मैं बताता हूं। कुछ समय पहले मैं नर नारायण पर्वत पर तपस्या कर रहा था, तब देवराज इंद्र ने मेरी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव ने अनेक प्रकार से मेरा ध्यान भंग करने का प्रयास किया, परंतु जिस पर श्री हरि की कृपा हो भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। बेचारा कामदेव लज्जित होकर वहां से चुपचाप चला गया। बहुत अच्छा देवर्षि, ये सब तो श्री हरि की कृपा से ही संभव हो पाया है, परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि जिस तरह ये कथा आपने मुझे सुनाई है उस तरह लक्ष्मीपति को कभी मत सुनाना। अगर इसकी चर्चा भी चले तो आप छिपा लेना। ठीक है भोलेनाथ, पर होगा तो वही जो श्री हरि चाहेंगे। अब मुझे प्रस्थान की अनुमति दीजिए। उनके मन में मेरे प्रति कहीं ईर्ष्या तो उत्पन्न नहीं हो गई है? अरे जिस हरि की कृपा से मैं कामदेव को पराजित कर सका, उन्हीं को यह बात ना पता चले, ये कैसे हो सकता है? मैं यह बात श्री हरि को अवश्य बताऊंगा, चाहे यह बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे। नारायण नारायण। मेरे दांत में बहुत दर्द है। राजू तुम्हारे दांत तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे दांत ऐसे कैसे चमक रहे हैं? अरे तुम कैसा दंत मंजन इस्तेमाल करते हो, तुम जानते नहीं हमारे राधिका रमन मंदिर में कौन सा दंत मंजन मिलता है? कौन Thank you.
नारायण नारायण। ओ मुनिवर, आइए, आपको देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, परंतु आप इससे भी अधिक प्रसन्न तब होंगे जब आप मेरी सफलता के बारे में सुनेंगे। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है प्रभु। अब अकेले शिव ही नहीं है जिसने काम को जीता हो। हे देवर्षि, मोह तो उसके मन में उत्पन्न होगा जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले धीर बुद्धि है, भला आपको कामदेव कैसे विचलित कर सकता है। परंतु माया अत्यंत प्रबल है मुनिवर, अतः आप सतर्क रहिएगा। जैसी आज्ञा प्रभु, कृपा कर मुझे अनुमति दीजिए।